रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 16 तारीख अक्टूबर का महीना है, 2022 इतवार का दिन है। आज मलकम शेरू तालाब के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक कुतुबशाही मस्जिद है, जो कबल 2 साल पहले तमाम यहाँ के लोकल लोगों की बदौलत, मीडिया की बदौलत वक्फ बोर्ड ने इसको आबाद किया था। आज इसी मस्जिद पे कुछ शरपसंद अनासर इसकी बाउंड्री वॉल को तोड़कर अंदर यहाँ पे आके, जो बाउंड्री वॉल ज़माने से है इस मस्जिद की अराजी 34 घंटे के करीब है, तो इस मस्जिद की अराजी के अंदर शरपसंद अनासर ने बकरे काटकर कुछ यहाँ पे पूजा वगैरह किया है, जिसका जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली, मैं स्टीफन रविंद्र साहब से 10:30 बजे बात करा। स्टीफन रविंद्र साहब DCP मैडम कुछ एग्जामिनेशन के उसमें है बोले, यहाँ के रायदुर्गम के CI तिरुपति साहब से कांटेक्ट करने के लिए बोले, फिर मैं तिरुपति साहब को इन्फॉर्म करा, तिरुपति साहब यहीं पे थे लेकिन काम नहीं रोके, और ये 100 लेबर को लेके आकर हॉलो ब्रिक से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाए जो मस्जिद की बाउंड्री में आता। हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर कोई ऐसे इबादत गाहों की तरफ अगर ऐसा शरपसंदी करेंगे, ना मुल्क का माहौल अच्छा रहेगा, ना स्टेट का माहौल अच्छा रहेगा, ना भाईचारा रहेगा। ये तमाम चीज़ डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे चंद फ़िरका परस्त अनासर इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, और आवाम जानती है एक तेलंगाना में हैंडीकैप इदारा अगर कोई है तो वो वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के जो यहाँ के IA है, हमारे IA साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो कहीं छुट्टी पे है, उनके रिप्लेसमेंट में टेम्पररी मैं मसीउल्लाह साहब से बात करा, मसीउल्लाह साहब इमीडिएटली हकीम साहब को भेजे और कोई दूसरों को भेजे, ख्वाजा मुइनुद्दीन साहब भी यहाँ पे आए। यहाँ पे आते ही वक्फ बोर्ड पहला सवाल करती, इसकी गजट आपके पास है क्या, इसकी ज़मीन कितनी है। जो सवाल वक्फ बोर्ड को पुलिस वालों को देना चाहिए वो आवाम से करती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि हर मोहल्ले की जितनी वक्फ जायदाद है, पहले उसकी गजट निकाल ले के एक मोहल्ले में बोर्ड लगा के लगा दीजिए, ये वक्फ की ज़मीन है यहाँ से यहाँ तक, चाहे इसकी वजह से तो भी इंक्रोचमेंट रुकेगा। और यहाँ पे वक्फ बोर्ड को चाहिए, यहाँ के लोगों के पैसों से ये मस्जिद आबाद हुई, सब वादे बड़े बड़े करे, हम इतने दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड से इतना सैंक्शन हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 3 शेड की बाउंड्री है, साहेब मस्जिद आबाद हुई, सब वादे बड़े बड़े करे, हम इतने दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड से इतना सैंक्शन हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 3 शेड की बाउंड्री है। साहेब खैर लोगों से भी मैं अपील कर रहा हूँ, अमानुल्लाह खान साहब यहाँ के सदर है, इनसे अप्रोच होइए, इसको इमीडिएटली बाउंड्री करवाइए, बाउंड्री करवा के इसको जितना सेफ हो सकता है वो चीज़ कराइए, और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इलीगली बना हुआ है उसको इमीडिएटली डेमोलिश करवाइए। सर, इसकी जो घुसने की जो बात हुई उसके ऊपर वक्फ बोर्ड वाले कंप्लेंट करते बोल के बोले, मगर अभी तक कोई कंप्लेंट भी नहीं करे पुलिस में, तो क्या आप अपनी तरफ से या मोहल्ले के हजरात जन की कंप्लेंट करिए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं व्हाट्सएप पे कंप्लेंट करा CP साहब को, DSP साहब को कंप्लेन करा, फिर उसके बाद CI साहब को भी कंप्लेन करा, और सदर साहब की तरफ से भी बिन जानिब सदर साहब की तरफ से भी कंप्लेन हो गया मस्जिद कमेटी की जानिब से। अब काम ये देखना है कि ये काम कैसा है, वक्फ बोर्ड वाले रुकाते। रह गई बात दूसरी, अगर कोई आशुरखाना आ रहा तो आप उसको डेमोलिश कर दे रहे हैं, अगर कोई मसाजिद आ रही तो उसको डेमोलिश कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर इल्लीगल स्ट्रक्चर पूरा कम्प्लीट हुए जब तक, उसके बाद भी ये काम चल रहा है। कंप्लीट मलकम शेरू के पास कुतुबशाही मस्जिद है, मलकम शेरू के पास। मैं मॉर्निंग आपको कॉल करा, देखिए शरीफ भाई जी आओ, जी मैं आपको मॉर्निंग कॉल करा ना जी 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 नहीं साहब, अलाट तो नहीं करते कोई भी, कैसा अलाट करते, कहीं रिलीजियस प्लेस को अलाट कर देते क्या बगैर कोई वो चीज़ों के? दूसरी चीज़ ये सर्वे नंबर 80-81 है जी, 34 घंटा जिसकी वक्फ ज़मीन है, प्रीवियसली आपके चेयरमैन सलीम साहब इसको आबाद कराए थे, इसकी बाउंड्री कराइए साहब। सिर्फ हम आगे ने क्या हो रहा बोल तो, कोई ऑफिसर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी जी नहीं, ऑलरेडी बाउंड्री है,
मसीह साहब जी, नहीं नहीं, और एक चीज़ ये, इसकी बाउंड्री 2007 में उठी हुई बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर मस्जिद प्राइमेसेस के अंदर एक मोब पूरा घुस के, जो सीसीटीवी में पूरा कवरेज है। देखिए हम आपको खुला बोल रहे हैं, लकुम दीन अकुम वली दीन, हम कोई रिलीजन के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एंटी सोशल एलिमेंट के अगेंस्ट बराबर खड़ते हैं हम। नहीं नहीं, डीएसपी साहब निकल गए, डीएसपी साहब निकल गए, वफ के दो हकीम साहब, हाँ हकीम साहब आए थे यहाँ पे और खादर साहब आए थे। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है साहब, कल अगर बॉन्ड नहीं उठी, कल वॉल उठाते बोल के बोल रहे हैं, कल वॉल नहीं उठाए तो फिर परसों हम आपके पास रहते साहब, कल आप वॉल उठाना। इतने लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, कम से कम 500 लोग हैं मसीह साहब, आपकी आवाज सुन रहे हैं। तिरुपति साहब कमिटमेंट दिए कल उठाएंगे, क्योंकि सर्कल साहब भी कमिटमेंट दिए यहाँ पे उठाते, आप वक्फ के पैसों से बिल्कुल उठाने लगाइए, इमीडिएट वॉल उठाने लगाइए। शुक्रिया साहब आपके बोलने पे, पुलिस भी आई, काम भी हुआ, लेकिन ये काम करिए, जजाकल्ला, राइट, थैंक यू। नहीं मुसलियां बिल्कुल रहते साहब यहाँ पे, मुसलियां पूरे एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत डिसिप्लिन के लोग हैं, ठीक है, आप भी विजिट करिए, जजाकल्ला साहब, थैंक यू।